अगर आप कहीं जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं या देते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। वो इसलिए कि हाईवे पर लिफ्ट देकर या लेकर लूटपाट की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। मंगलवार को भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बदमाश हथियार के बल पर टाटा टियागो कार लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल के मोहल्ला गुजरान चौक निवासी विशांत कुमार भिवाड़ी स्थित पॉली प्लास्टिक कंपनी में कार्यरत है। मंगलवार को वह अपनी टाटा टियागो कार में सवार होकर कंपनी जाने के लिए निकला था। रास्ते में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एसआई पुल के पास हाईवे पर खड़े दो युवकों ने लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी को रुकवा लिया और फिर कसोला चौक से आगे बेस्ट रोडवेज तक जाने की बात कहकर गाड़ी में सवार हो गए। एक बदमाश अगली सीट पर तो दूसरा पिछली सीट पर बैठ गया। बेस्ट रोडवेज पहुंचने से पहले ही पीछे बैठे बदमाश ने उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर गाड़ी को रुकवा लिया, जिसके बाद बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश शुरू कर दी। पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई है। जैसे तैसे पीड़ित बदमाशों के चंगुल से भाग निकला और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और चारों तरफ नाकाबंदी शुरू की गई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। कसोला थाना पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि रेवाड़ी के बावल और धारोड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आपराधिक वारदातें तेजी से बढ़ रही है। हाईवे पर तो लिफ्ट देकर या लेकर लोगों को बदमाश निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी वाहन में लिफ्ट देने से पहले या किसी से लिफ्ट लेने से पहले सतर्क रहें और संदिग्ध व्यक्ति से लिफ्ट देना और ना ही लें। घटना हुई है। मैं जो है अपने घर से जा रहा था कंपनी, तो ऐसा ही पुल से थोड़ा आगे दो बंदों ने लिफ्ट ली और वो गाड़ी में बैठ गए और जहाँ उनको उतरना था उस जगह पे संगवाड़ी पुलिस से थोड़ा सा पहले उन्होंने गाड़ी रुकवा के और मेरी पीछे से बंदूक लगा दी गणपटी पे और पीछे बैठने के लिए बोला सीट पे, तो वहाँ पे हाथापाई हो गई। मैं पीछे बैठा नहीं और वो ज़बरदस्ती पीछे खींच रहे थे। हाथापाई में मैंने गेट खोल के मैं नीचे उतर गया और वो गाड़ी लेके भाग गए। कितने लोग थे सर? वो दो लोग थे। नकाब लगा रखा था? नहीं, नकाब नहीं लगा रखा था। आप उनको देख कर पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान लेंगे। अच्छा, कहाँ तक गए आपके साथ? वो यहाँ से बैठ के और संगवाड़ी जो पुल है उससे जो पहले वाला पुल है वहाँ तक गए। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास उन्होंने गाड़ी रुकवाई। कंपनी भी है वहाँ पे, लॉजिस्टिक है। वहाँ से एक बंदा देख भी रहा था वो नज़दीक से, बट वो आया नहीं हेल्प के लिए। तो मैंने इशारा भी किया था बट वो थोड़ा घबरा गया शायद। अच्छा, थाने में शिकायत दे दी घटना की? हाँ, मैंने उसी वक्त गाड़ी लेके जैसे भागे मैंने 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस जो है विद इन 10 मिनट के अंदर पहुँच गई थी। फिर वो मेरे को पट्टी वट्टी के लिए हॉस्पिटल ले गए, बाकी बात हो गई पुलिस में। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि एक टाटा की कार है और उसको एक लड़का जो है ना यहाँ से बावल से लेके और वो जाता है अपनी कंपनी में काम करने के लिए धारवाड़ा साइड में, तो उसमें गाड़ी में एसआई इंडिया पुल के पास से लिफ्ट ली है दो लड़कों ने और बाद में उसको संगवाड़ी पुल के आसपास ओवर पावर करके छीन लिया है उसे, और उसमें जो स्ट्रगल में लड़के को थोड़ी सी वो इंजरी भी आई है, तो उसमें FIR दर्ज कर ली है और उसमें तफ्तीश अभी कर रहे हैं। जल्दी कोशिश करेंगे गिरफ्तारी करने के। पर उसमें दो बातें मैं इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी। एक तो वो लड़के जो थे वो दाढ़ी वाले थे, तो इस तरह के लड़कों की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमसे कोई शेयर करे। नंबर दो, जैसा अक्सर कहा जाता है कि लिफ्ट देते टाइम अनजान आदमी को लिफ्ट दें तो वेरीफाई कर लें कौन है कहाँ का है, गलत आदमी को लिफ्ट ना दें तो बेहतर है।